वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लासेजन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर वी नो दैट ऑल द सब्सटेंसेस ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर हम जानते हैं सभी चीजें मैटर से बनी हुई हैं बट व्हाट इज मैटर एक सबसे अहम क्वेश्चन यह है कि मैटर क्या होता है एंड मेड अप ऑफ और किससे बना होता है गेट द आंसर ऑफ दिज क्वेश्चन लेट एस बी डू एन एक्टिविटीज हम इस सवाल का जवाब तलाशें उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं नाउ टेक ए पीस ऑफ चौक हियर दॉयल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने ठीक है चूंकि चौक चौक की जगह मैंने क्या लिया है एक सोयल का टुकड़ा स्मॉलर चुक्स ऑफ द चौक अब मैंने इसको क्या किया कि इसको प्रेशर डाला मैंने तो जैसे ही आप इस पर प्रेशर डालेंगे ये क्या होगा टूटना शुरू हो जाएगा बंद ना बी प्राइड एंड इट इज स्मॉल पीसेस अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया एक बड़ा सा टुकड़ा बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गया अगेन क्रस इट फर्दर वी गेट इसको मैंने और ज्यादा इसको मैंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में बदल गया बट स्टिल रिटेन ऑल द प्रोपर्टीज ऑफ दिनल कहा कितने भी छोटे पार्टिकल्स में बदल जाए लेकिन जो पहले था और जो अभी है उनके गुणों में कोई अंतर नहीं होगा जो इनके अंदर जो बड़े से टुकड़े में था एक बड़े से टुकड़े में जो प्रॉपर्टीज थी वही इस छोटे से टुकड़े में प्रॉपर्टी होगी हेंस चॉक इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच सो दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ चॉक मैटर इज मेड एक्सट्रीमली स्मॉल सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पीसेस मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स तो जो सबसे छोटे टुकड़े थे इन्हीं छोटे टुकड़े को एटम्स कहा गया महर्षि कणाद ने कहा था कि जो हमारा जो सिस्टमेटिक uh, uh, हमारा विज्ञान रहा है अध्यात्म का उसमें भी कहा गया है कि सबसे जो छोटा कण है मैटर्स का उसे हम लोग क्या कहते थे परमाणु एंड दैट इज दूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट ऑल द प्रोपर्टी के सारे गुणम्स के अंदर इन छोटे कण में जो मौजूद है वही बड़े कण में मौजूद था सो बट एटम्स यूजली डोंट है कहा जा सकता है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता सो so, दे कंबाइन एंड विथ वन एंड अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एक से अधिक एटम्स, एटम्स ये एक था दूसरे आइटम के साथ कंबाइन करेगा तो ये दो एटम्स दो से अधिक एटम्स एक साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल। जब तक ये सिंगल थे ये क्या कहलाए एटम और एक एक और एक से अधिक मॉलिकुल्स एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या कराएगा वो मॉलिकूल्स सो ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हैविंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका मतलब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल है दैट एग्जिस्ट ऑल द प्रोपर्टीज ऑफ दैट मैटर इस मॉलिक्यूल में भी वही सारे गुण होंगे जो एटम में होगा जो उसके बड़े वाले कण में था मैटर्स में था इवेन दो मॉलिक्यूल इज बिगर दैन एटम वो थार एक्सट्रीमली स्मॉल एटम से बड़ा पार्टिकल कौन होगा मॉलिक्यूल्स सो so, और दोनों में उस मैटर के दोनों ही गुण होंगे और इसको कभी भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है मॉलिक्यूल्स को और नहीं एटम्स को और आप कह सकते हैं कि कोई पूछा कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स देन दैट अ मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू एटम्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर दो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं मॉलिकोल्स और इसके दूसरे डेफिनेशन में कह सकते हैं अ मॉलिकूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच हैज द प्रोपर्टी ऑफ द सब्सटेंस उस प्रोप उस सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस सब्सटैंस के सारे गुण हैं एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और जो फ्री स्टेट में रह सकता है बट इट्स डोंट बी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन लेकिन वो वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है सो so, यहां H और H ये दोनों एटम है ये दोनों मिलकर H2 ये क्या तैयार कर रहे हैं मॉलिक्यूल। H2 क्या है मॉलिक्यूल है जबकि H यहां पर क्या दिखाया जा रहा था एटम्स तो मॉलिक्यूल्स का सबसे छोटा पार्ट कौन हो गया एटम्स या दो एटम या दो से अधिक एटम मिलकर क्या तैयार करेंगे मॉलिक्यूल्स तैयार करेंगे Now, कुछ को रिलेटेड क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से आपको दिए जाएंगे यहाँ चैप्टर वन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है नाओ थैंक यू